बैटरी तो दोस्तों सोलर लग चुके हैं, अब आप देख सकते हैं कितने एम्पियर सोलर से बन रहा है। इस वक्त इतनी तेज धूप नहीं है, फिर भी देखिए 20 एम्पियर का करंट हमारे बैटरों को मिल रहा है। अब बैटरी सही चार्ज हो जाएंगे और हमारा काम चल जाएगा। धूप कुछ तेज नहीं है, बादल छाए हुए हैं, अभी धूप मीडियम है, इसलिए 20 एम्पियर का ही करंट निकल रहा है। फिर भी बैटरी चार्ज हो रहे हैं और हमारा ये काम अभी चालू हो गया है। काम दोस्तों रुक गया था क्योंकि इस वक्त लाइट कम आ रही है और बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमने सोलर लगवा लिया है। हम पूरी जानकारी वीडियो में आगे दिखाएंगे, कितने वाट के पैनल लगे हैं और कितने पैनल लगे हैं और हमारे यहाँ क्या क्या काम होता है, आप पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे कारखाने में काबड़ियों का नया करसेला जा रहा है। जो काबड़ लेने के लिए जाते हैं वह इस नेकर को पहनते हैं, भगवा कलर का नेकर, वह नेकर तैयार किया जा रहा है हमारे यहाँ इस कारखाने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग की जा रही है, अब इसकी कटिंग की जाएगी, मार्किंग करने के बाद फिर इसकी सिलाई की जाएगी। आप पूरी जानकारी इस वीडियो में देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से काबड़ियों वाला नेकर तैयार होता है, आप पूरी नॉलेज इस वीडियो में प्राप्त करने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये कपड़े की लेयर लग चुकी है, अब इस पर मार्किंग की जा रही है, मार्किंग करने के बाद इसकी मशीन से कटिंग की जाएगी। तो आप पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी देखिए कि किस तरह से नेकर काबड़ियों वाला सिला जाएगा। हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि हमारा काम रुक जाने के कारण इन्वर्टर चार्ज ना होने से काम रुक गया था, उसके बाद हमने सोलर पैनल लगाए, कितने सोलर पैनल लगाए और हमारा काम चालू हो गया। तो ये आप पूरी जानकारी देखिए, वीडियो में बने रहिए। अब मार्किंग हो चुकी है, अब मशीन से कटिंग की जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि पैनल आ चुके हैं और पैनलों की अनबॉक्सिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं 330 वाट का पैनल है, ल्यूमिनस कंपनी का है और ये चार पैनल आए हैं, इनकी अनबॉक्सिंग हो रही है। अब इनको लगाया जाएगा, लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितने एम्पियर का करंट बन रहा है और हमारा बैटरी चार्ज हो पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त गर्मी का मौसम है, लाइट बहुत कम आ रही है और बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं जिससे काम रुक गया है। और दोस्तों अब ल्यूमिनस का पैनल लगाया जा रहा है, चार पैनल आए हैं, अब इनकी अनबॉक्सिंग हो रही है, इसके बाद इन पर वायरिंग की जाएगी, उसके बाद बैटरी चार्ज होते हैं या नहीं आप पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों पैनलों की अनबॉक्सिंग हो गई है और चारों पैनल आपके सामने आ गए हैं, अब इनकी वायरिंग की जाएगी। वायरिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कितना करंट निकाल रहे हैं ये चार पैनल और कितने चार्ज हो रहे हैं बैटरी, आप पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों अब वायरिंग की जा रही है, वायरिंग करने के बाद अब नीचे जाकर हम आपको दिखाएंगे बैटरों में कितना करंट जाएगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए वीडियो में।
अब दोस्तों नीचे वायरिंग हो रही है, बैटरी के पास में एम्पियर मीटर लगा रहे हैं, देखते हैं इस एम्पियर मीटर पर कि कितने एम्पियर का करंट आएगा। आप पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए वीडियो में और हम आपको दिखाएंगे कि कितनी मशीनें चल पा रही हैं इससे। तो दोस्तों बने रहिए अभी वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाई गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये दो बैटरी हैं लगे हुए, और इन दो बैटरियों की चार्जिंग की जाएगी इन चार पैनलों के द्वारा। तो देखते हैं कितने एम्पियर का करंट आता है और बैटरी चार्ज हो पाते हैं या नहीं। इस वक्त धूप ज़्यादा तेज़ भी नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप निकल रही है और जा रही है, बादल हैं आसमान में। तो देखते हैं कितने एम्पियर का करंट बन रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप इस वक्त करंट बन रहा है 20 से 22 एम्पियर का। देखिए आप 22 एम्पियर का करंट बन रहा है और ज़्यादा तेज़ धूप हुई तो मुझे लगता है 30 से ऊपर एम्पियर का करंट पहुंच जाएगा। अभी धूप इतनी तेज़ नहीं है फिर भी 20 एम्पियर का करंट बन रहा है हमारे पैनलों से। हमें उम्मीद है बैटरी सही तरीके से चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि दो बैटरी चार्ज करने के लिए 20 एम्पियर का करंट बहुत है, अच्छा खासा है। 20 एम्पियर की चार्जिंग अच्छी होती है बैटरों में, 20 एम्पियर की चार्जिंग हमें मिलती रहे तो इससे हमारे बैटरी चार्ज होते रहेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं 20 एम्पियर करंट बन रहा है। अभी धूप बिल्कुल मध्य हो गई है, ऊपर बादल आ गए हैं सूरज पर, तो इस वक्त एम्पियर कम हो गया है और धूप थोड़ी तेज़ होगी तो एम्पियर भी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त एम्पियर 12 13 14 एम्पियर पर पहुंच गया, और अभी कुछ देर पहले धूप थोड़ी सही थी तो 20 एम्पियर था, क्योंकि दोस्तों पैनल धूप के हिसाब से ही करंट बनाते हैं। तो क्योंकि इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है तो सूरज पर अगर बादल आ जाते हैं तो उससे धूप बिल्कुल मध्य पड़ जाती है तो एम्पियर कम हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा काम चालू हो गया है पैनल लगने के बाद, अब काम शुरू हो गया है, ये कारीगर काम कर रहे हैं। पैनल इसीलिए लगाना पड़ा है कि काम बंद हो जाता था, हमारे बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहे थे, लाइट बहुत कम आ रही है, यहाँ पर ग्रामीण इलाका है। अब आप देख सकते हैं पंखा भी चल गया है, गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, तो सोलर लगने की वजह से हमारा पंखा भी चालू हो गया है और काम भी चालू हो गया है। देख सकते हैं आप सामने काम कर रहे हैं कारीगर,